देखो एक सवाल लिख लो, इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास एम वेरी विथ एक्स एच एच यू बराबर यू नॉट वन माइनस कॉस अल्फा एक्स, जहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है। तो आपसे पूछा है कि देन फाइंड इट्स टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड निकालें आप बॉडी का, जिसका पोटेंशियल एनर्जी एक्स के साथ ऐसे बदल रहा हो जैसा इक्वेशन है, यहाँ पे यू नॉट कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, यहाँ पे जगह है, यू नॉट भी कांस्टेंट कर देना। आंसर आ ही गया होगा। अब देखो उसका आंसर कैसे आएगा। सबसे पहला काम है एफ का मान निकालो। एफ का मान होता है माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। आप उसे डिफ्रेंशिएट करो, माइनस साइन लग गया और डी बाई डी एक्स ये जीरो हो गया। माइनस अपनी जगह होगा, कास का इंटीग्रेशन में माइनस होगा, साइन अल्फा एक्स होगा और एक्स का मल्टीपल अल्फा बाहर होगा। ये बात समझ आई? हाँ, समझ में आना चाहिए। अब उधर कर दिया, माइनस माइनस कई बार माइनस दिख रहा है, तो माइनस यू नॉट अल्फा साइन अल्फा एक्स। अब हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं फॉर स्मॉल एक्स, एक्स स्मॉल है। अगर एक्स स्मॉल है तो साइन अल्फा एक्स बराबर क्या लिखोगे? अल्फा एक्स। तो साइन अल्फा एक्स की जगह अल्फा एक्स लिख दोगे तो एफ माने यमी हुआ, और यह आया माइनस यू नॉट अल्फा इंटू अल्फा एक्स हो गया। इसके आगे चलो, आगे बढ़ो। अब ए का मान, ए का मान आया माइनस यू नॉट अल्फा स्क्वायर बाई एम एक्स, और बच्चों ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब छोड़ दें, टी का मान निकाल लोगे कितना आएगा? टी बराबर टू पाई अंडर रूट के अंदर एम अपान यू नॉट अल्फा स्क्वायर, फिनिश। ऐसे तमाम तरह के सवाल बनते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कम्प्लीटली पूरी तरह से डिटेल में समाप्त हो गया। कोई चीज़ हम शॉर्टकट नहीं पढ़ाते, जान लो। इसीलिए आराम से देखो, मैं रिलैक्स रहता हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं रहता। इस बात की हड़बड़ी है, पढ़ना हमें है, पढ़ाना मेरे को है, पढ़ना आपको है, कौन हड़बड़ी है? आराम से पढ़ के जाओ। अब देखिए, कभी कभी आता तो यही सब है, कभी कभार एक क्वेश्चन, एक ऐसे आइडिया, टाइम बच रहा है 20 मिनट, तो एक ऐसे आइडिया और डेवलप कर लें। कभी कभी फोर्स्ड ऑसिलेशन का नाम थ्योरी में ले लेता है, कभी कभी डैम्प्ड ऑसिलेशन का नाम भी ले लेता है। ये अभी आपने जो पढ़ा है वो फ्री ऑसिलेशन था। कौन सा? फ्री ऑसिलेशन।
और फ्री ऑसिलेशन में जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, अभी मैंने जो पढ़ा वो फ्री ऑसिलेशन था, ये फ्री ऑसिलेशन था और इसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और इसे मैंने ओमेगा लिखा था अंडर रूट के बाई एम, ये था, यही के बाई एम है, कभी एल बाई जी, जी बाई एल, ऐसे बनता रहेगा। अब बच्चों एक ऑसिलेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फोर्स्ड ऑसिलेशन, थोड़ा सा एक लाइन में एनसीईआरटी किताब में इसका नाम लिखा हुआ है, फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो ये फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या हुआ? फोर्स्ड ऑसिलेशन में हमें फोर्स लगानी है, क्या करनी है? फोर्स लगानी है, और वो भी फोर्स कैसा लगाना होगा? तो ऑसिलेशन तो हो रहा है लेकिन फोर्स लगाने से, तो ऑसिलेशन अंडर, और फोर्स भी कैसा होना चाहिए? पीरियाडिक, पीरियाडिक फोर्स लगाना चाहिए। जैसे झूला झूलने वाली मैं बात करूं, जो कल पढ़ा रहा था झूला झूलने वाला, जो सावन के झूले की बात कर रहा था, तो वो जो झूला झूलने वाला है, तो जब वो झूला उधर जाने लगता, इधर इधर से आने लगता है ऊपर की तरफ, तो जो आदमी उधर जा रहा है, एक जगह जब झूला पहुंचता है तभी वो फोर्स लगाता है, हरदम नहीं लगाता है, एक जगह जब पहुंचेगा तो फोर्स लगाएगा, फिर जब वहां जाएगा तो फिर फोर्स लगाएगा, फिर वहां जाएगा तो फिर फोर्स लगाएगा। तो फोर्स कैसे लगा रहा? रेगुलर टाइम पे कैसा फोर्स लगा रहा? पीरियाडिक लगा रहा। इसलिए ऑसिलेशन होने के लिए फोर्स तो आपको लगाना है, लेकिन वो कैसा फोर्स होना चाहिए? पीरियाडिक। अगर पीरियाडिक फोर्स लग रहा है तो F बराबर हम लिखेंगे F नॉट, उसका एम्पलीट्यूड है फोर्स का, साइन ओमेगा नॉट T, ओमेगा नॉट क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियाडिक फोर्स। किस फ्रीक्वेंसी से, किस टाइम पर, कितने कितने समय में वो पीरियाडिक फोर्स आदमी लगा रहा है, तो एक सेकंड में कितनी बार पीरियाडिक फोर्स लगाया उसे उसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे, कि एक सेकंड में कितनी बार लगाया, वो ओमेगा नॉट है। तो एफ नॉट साइन ओमेगा नॉट ये फोर्स हो गया, और इसमें एक स्प्रिंग वाला फोर्स लगा होगा माइनस के एक्स, रिस्टोरिंग फोर्स है, जैसे मान लो कोई स्प्रिंग ही है। तो बच्चों हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो एफ बराबर माइनस के एक्स ही लिखा है, क्या लिखा है? माइनस के एक्स, वही माइनस के एक्स लिख रहा हूँ। अब ए बराबर आप लिखोगे एफ नॉट अपान एम साइन ओमेगा नॉट टी माइनस के बाई एम एक्स, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ गई, और एक ये ओमेगा नॉट फोर्स की फ्रीक्वेंसी, और ये किसकी फ्रीक्वेंसी? नेचुरल के बाई एम। अब देखो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आएगा, हमारे सिलेबस में इसका सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अपने सिलेबस में आप सॉल्व कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ हमें केवल वैल्यू आना चाहिए। अब इसमें वैल्यू आना चाहिए, वैल्यू क्या आएगा बता रहा हूँ, वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन एक्स बराबर एफ नॉट अपान एम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी, ये इसका वेव इक्वेशन है, ये क्या है? वेव इक्वेशन है, ये वेव इक्वेशन है, इसका ये एम्पलीट्यूड है, फोर्स्ड ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड, यही इतना पेपर में आता है कि
कि एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो एम्पलीट्यूड आएगा जो मैक्सिमम फोर्स लगा है एफ नॉट, जिस बॉडी पे लगा है उसका मास एम है, जो फ्रीक्वेंसी नेचुरल है वो ओमेगा स्क्वायर, और जो फोर्स ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट स्क्वायर। इसमें आप ऐसे ये वाला साइन लगा देना। समझ गए ना क्यों लगा दिया? क्योंकि एम्पलीट्यूड को माइनस में तो लिखते नहीं आप, ऐसे लगा देना। जो बड़ा छोटा होगा अपना टीचर समझेंगे। आप काम इतना ही जानना। तो बच्चों ये कुल मिला के आपको एक तरह से हुआ कि इसे ध्यान रखना है। अब आप लोग जब पढ़ते थे तो कहते थे कि कुछ लोग सेना के लोग पुल पर चल रहे हैं, तो पुल पर चलने का नियम होता है कि ऐसे चलो कि पुल गिरने ना पाए। हैं, अब पता चला चले पुल ही गिरा दिए। अब पुल कैसे गिरेगा? एक तो पुल की फ्रीक्वेंसी है उसकी अपनी, और वो कदम में कदम मिला के चल रहे हैं, परेड कर रहे हैं पुल पे। तो जब पुल पे परेड कर रहे हैं तो कदम में कदम मिला के जब चलेंगे मिलिट्री के लोग, तो एक उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी फोर्स वाली और एक पुल की नेचुरल, और अगर कहीं हो गए दोनों बराबर तो आ जाएगा रेजोनेंस कंडीशन, और रेजोनेंस कंडीशन आ गया तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा इनफाइनाइट। लगेगा पुल ऐसे घूमने, एक टुकड़ा गिरेगा दारागंज, एक टुकड़ा गिरेगा त्रिवेणी, हैं, तो पुल टूट जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि पुल पे चलते समय कदम से कदम मिला के मिलिट्री वाला चलेगा तो उसको भगा दिया जाता है कि तेरे को पुल पे चलना नहीं आता, अगर इस पे चलेगा तो तेरा फ्रीक्वेंसी पैर वाला और कहीं पुल की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया तो तू तो जाएगा ही, सबको ले जाएगा। तो बच्चों समझ गए? तो रेजोनेंस कंडीशन कब आएगा? जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी फोर्स की बराबर हो जाए, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट हो जाए, तो इट्स एम्पलीट्यूड गोज टू इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट पे चला जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का ये ग्राफ टीचर बहुत पूछते हैं, बस यही पूछते हैं और इसी को जानो आप। अब ये एम्पलीट्यूड लिखा है यहाँ पे, कैपिटल ए का मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड। इसको पूरा हिंदी में लिख दो, एम्पलीट्यूड हिंदी में लिखा करो ऐसे। अब समझ आ गया? तो ये फोर्स ऑसिलेशन हुआ। अब बच्चों इसका मतलब फोर्स ऑसिलेशन रेजोनेंस कंडीशन आने के लिए ओमेगा नॉट बराबर ओमेगा बराबर क्या होना चाहिए? के अपान एम। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी के बराबर फोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर लगा दोगे तो एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट। समझ आई बात? यह है फोर्स ऑसिलेशन। बस फोर्स ऑसिलेशन ख़त्म। अब इसके बाद देखो डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्पिंग की बात कर लो। डैम्प्ड ऑसिलेशन फोर्स ऑसिलेटर माने, जैसे मान लो कोई स्प्रिंग है ऑसिलेट कर रहा है। अब आप चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से चले। एक तो है कि आप उसको देखो जैसे वो चल रहा वैसे चले, जैसे आप अपने हिसाब से चलते हैं वो नेचुरल है, लेकिन घर के पेरेंट लोग को अच्छा नहीं लगता, वो चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से चलो। यही तो चाहते हैं, इसी बात पर तो डांट खाते होगे, और तो कोई बात नहीं होती ना। वो बोलते हैं कि मेरे मन का नहीं करता, मेरे मन का नहीं करता, अपने मन का करता है। तो अरे भाई उन्हीं के मन की कर लो, जब तक कर पा रहे हो तो उन्हीं के मन की कर लो। तो जब उन्हीं के मन के कर लो तो वही हो गया फोर्स ऑसिलेशन, और अगर अपने मन की कर लो तो वो हो गया सिंपल हार्मोनिक, और अगर उनके मन का कर लो तो हो गया फोर्स ऑसिलेशन। समझ गए दोनों में अंतर? फोर्स ऑसिलेशन में जब मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं बोलूंगा मेरी बात तेरे को मानना है, जो मैं कहूं वही करो, जब मैं बोलूं उठो, जब मैं बोलूं बैठो, जब मैं बोलूं सो, जब मैं बोलूं रो, जब मैं बोलूं जागो, तो मेरे हिसाब से चलो, तो वो क्या हुआ? फोर्स्ड हो गया। और अपने हिसाब से चलो तो फ्री हो गया। अपने हिसाब से चलो तो सिंपल हार्मोनिक, मेरे हिसाब से चलो तो फोर्स्ड ऑसिलेशन। समझ आई मेरी बात? अगर मेरे हिसाब से आप चलो और मेरी फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए तो एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट आ जाएगा। रिजल्ट ऐसा रिजल्ट आ जाएगा जो कोई सोच नहीं पाएगा। तो यही इसका फ़ायदा भी है।
रेजोनेंस कंडीशन आ जाएगा, सब कुछ मैक्सिमम हो जाएगा। समझ आया मेरी बात? तो ये फोर्स्ड ऑसिलेशन है। एक और होता है डैम्पिंग, जैसे डैम्पिंग आप लोगों के साथ है। डैम्पिंग क्या है? जैसे मोबाइल है, पढ़ते पढ़ते मोबाइल चलाने लगते हैं, पढ़ते पढ़ते किसी दोस्त की बात याद आती है, अरे रुको रुको क्या कर रहे हो, हाँ? पढ़ते पढ़ते कोई पागलपन मन में आ जाता है, ये क्या है? इनर्जी लॉस। वहाँ पे डैम्पिंग है, वहाँ पे एम्पलीट्यूड लगातार घटेगा, इसीलिए नंबर लगातार घट रहा है, वो डैम्पिंग हो गया। तो डैम्पिंग आने का कारण क्या है? कोई रेजिस्टिव फोर्स है, कोई विस्कस फोर्स है, कोई टेंशन करने वाला इंसान है, कोई टेंशन करने वाला माहौल है, वो आपको बर्बाद कर रहा, उसे कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होगा? विस्कस होगा। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होगा? रजिस्टिव होगा। तो फिर लिखो ऑसिलेशन अंडर रजिस्टिव फोर्स, नाम लिखो, उसकी भी बात कर लें। डैम्ड ऑसिलेशन, डैम्ड ऑसिलेशन में होगा ऑसिलेशन अंडर रजिस्टिव फोर्स, अंडर रजिस्टिव फोर्स। तो बच्चों यहाँ पे रजिस्टिव फोर्स होगा। एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल एयर ड्रैग, सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब उसमें हवा नहीं चल रहा था, एयर रेजिस्टेंस नहीं था, एयर ड्रैग होगा। विस्कस फोर्स होगा, यही सब है, यही है, मेनली यही दो है, एयर ड्रैग, एयर विस्कस फोर्स, एक ही जैसा दोनों है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, आगे बढ़ाओ, यहाँ तक सही है? समझ तो आ रहा ना कि कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं? इसमें बाहर वाला इन्फ्लुएंस है, बाहर वाला डिस्टरबेंस है, और वो डिस्टरबेंस ही सबको बर्बाद करता है। इसीलिए पेरेंट का काम है डिस्टरबेंस से बचाना, टीचर का काम है डिस्टरबेंस से बचाना। पेरेंट का पेरेंटलशिप क्या है, हाँ क्या है बताओ? डिस्टरबेंस से बचाना, बस बच्चे को पैसा देना नहीं, डिस्टरबेंस से बचाना। और इतना जितना डिस्टरबेंस से बचाएंगे उतना अच्छा पढ़ेगा, और उतना अच्छा पढ़ेगा तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, दूसरे देश में पढ़ने के लिए देश पढ़ाता है, उसके टैलेंट की कद्र होती है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पढ़ा देती है, पब्लिक पढ़ा देती है, लोग पढ़ा देते हैं, ज़रूरत नहीं है उनके पैसे की, ज़रूरत नहीं है। डिस्टरबेंस से बचा के उसे योग्य बना दो। टीचर का काम क्या है? डिस्टरबेंस से बचाना, बच्चों के सामने मुश्किल ना आए। इसके बाद फिर उनका भी नाम अच्छा होगा, देश का भी नाम अच्छा होगा, बस इतना ही है। तो ये जो विस्कस फोर्स है ना, ये खतरनाक फोर्स है। अब होगा क्या, जो इस पर फोर्स है बच्चों, एम ए बराबर एक तो के एक्स होगा, एक स्प्रिंग वाला होगा, और एक रजिस्टिव हो गया माइनस बी वी हो गया। जैसे पढ़ाया ना 6 पाई नीटा आर बी, तो मैंने के इसलिए नहीं लिखा कि एक बार के यहाँ लिख रहे हैं और एक बार विस्कस फोर्स का के भी लिख देंगे तो हो गया ना जाम, तो उसको मैंने बी लिख दिया। बी माने कांस्टेंट है, डैम्पिंग कांस्टेंट है कोई। ए बराबर होगा के बाई एम एक्स माइनस बी बाई एम बी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, अब आपको सॉल्व नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, सॉल्व करेंगे तो आएगा। आपके एनसीईआरटी की बुक में है, चलता क्यों नहीं जी, ये वाला ही तो है, चलो उधर, हाँ यहाँ पे वी छूट गया है ना, वी छूट गया था। इसी को डी टू एक्स, ज़रूरत नहीं है लिख देता हूँ, थोड़ा टाइम बच रहा है, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर आ गया के बाई एम एक्स
माइनस ये आ गया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसी को सॉल्व करते हैं ना तो सोल्यूशन आता है, और वो सोल्यूशन आपको बच्चों सीधे लिखना है डायरेक्ट। अब देखो इसका वेव इक्वेशन लिखो आप, वेव इक्वेशन। अब ये वेव इक्वेशन हमें याद ही रखना है, आपके सिलेबस में ज़रूर है लेकिन आपको याद ही रखना है। और ये होगा एक्स बराबर ए नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस बी बाई टू एम इंटू टी साइन ओमेगा डैश टी और प्लस फाई, माने कांस्टेंट है, फेज कांस्टेंट है, फेज डिफरेंस है। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को याद रखो, ये बहुत बार पेपर में आ रहा है, नीट में तो अक्सर पूछता है, इसीलिए पूछता है टीचर, वो जानना चाहता है कि नीट वाले लोग एग्जाम के लिए पढ़े नहीं होंगे, इसको देख के छोड़ दिए होंगे, इसलिए हर बार भिड़ा देता है, बोलता है कम से कम छोटा सा रिजल्ट थी तो याद कर लो, नहीं दवा कैसे याद करोगे, इसलिए वो पूछ लेता है। तो बच्चों ये एम्पलीट्यूड है और एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, ये याद रखना है कि ड्रैग फोर्स अगर है तो एम्पलीट्यूड कैसे डिक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली, यही आता है। तो एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विथ टाइम अंडर डैम्प फोर्स, अंडर डैम्पिंग एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली एक्सपोनेंशियली विथ टाइम, एक्सपोनेंशियल टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, ये इस तरह से ए बराबर आप लिखते हो, यही पेपर में है, ए ई पावर माइनस बी अपान टू एम इंटू टी, बस यही बच्चे रोज पूछते हैं, सर इसका इक्वेशन क्या है, तो मैं बोल देता हूँ कि यही है, चले जाते हैं, क्या ठीक है आ गया। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है। और रुको बच्चों, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना डैम्प ऑसिलेशन की, कुछ फ्रीक्वेंसी है, और इस डैम्प्ड ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी लिख लो, फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश, ओमेगा डैश अंडर रूट लगाना, ओमेगा स्क्वायर माइनस बी बाई टू एम स्क्वायर, ओमेगा माने के बाई एम माइनस बी अपान टू एम का स्क्वायर। ठीक, इसको मैं क्या चेक कर रहा था, देख रहे हैं, बता रहा हूँ आपको मैं कैसे इसको समझ रहा था कि सही है कि गलत है। यहाँ पे टी के साथ ओमेगा, टी के साथ क्या है, ओमेगा ही है, ओमेगा टी ही आता है, तो इसी का स्क्वायर होगा क्योंकि ये भी स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो स्क्वायर में स्क्वायर ही तो माइनस होगा, और टी का मल्टीपल में क्या आता है, ओमेगा आता है, क्योंकि नंबर आना चाहिए, डायमेंशनलेस आना चाहिए, तो ये टी है तो ये ओमेगा होगा, तो ओमेगा का मान बी बाई टू एम है, और वही बी बाई टू एम का स्क्वायर कर दिया है, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर है, अंडर रूट लगा है स्क्वायर का तभी ओमेगा आएगा, ऐसे ही मेरे दिमाग में सेट है, वही आपको बता रहा हूँ कि कैसे मैं समझ रहा हूँ कि यही सही है, कैसे समझ रहा हूँ, समझ गए, ओमेगा निकालना है तो अंडर रूट के अंदर स्क्वायर होगा, अब उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी क्योंकि डैम्पिंग है, तो कम होगी तो जो डैम्पिंग वाला फैक्टर है ये ओमेगा।